तो महात्मा गांधी जी को लेने के लिए पुल पर से जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, मरहूम अब्बास तैयब जी, श्रीयुत सेन गुप्ता और उनकी पत्नी महात्मा गांधी जी की पेशवाई के लिए खड़े हुए हैं। हजारों आदमियों का सरगस काले झंडे उड़ाते हुए मरहूम देशभक्तों की याद मना रहे हैं। औरतें महात्मा जी को खादी के फूलों के हार पहनाती हैं। कांग्रेस का तमाम मंडप डेलीगेटों और दिगर बड़े बड़े आदमियों से भरा हुआ है। महात्मा जी राष्ट्रपति वल्लभ भाई पटेल के पास बैठे हुए आजादी के मसले पर कीमती लफ्ज सुनाते हैं। फैजपुर कांग्रेस हिंदुस्तान के सच्चे सपूत शेरे दक्कन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्टेच्यू। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपति जवाहरलाल के पास बैठे हुए लेक्चर दे रहे हैं। मंडप में हजारों आदमी उनके उपदेश का लाभ उठा रहे हैं। जलसा खत्म होने पर राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदी गांधी, अब्दुल गफूर खान, श्रीमती सरोजनी नायडू, पंत गोविंद वल्लभ, बाबू राजेंद्र प्रसाद ध्वज वंदन के लिए जा रहे हैं। इस जलसे में एक खास बात यह हुई थी कि जब फैजपुर के लोग और दिगर डेलीगेट ध्वजा वंदन की तैयारी कर रहे थे तो कोल यानी काठी में कुछ खराबी हो जाने की वजह से ये रकम रुक गई थी। मगर बारे राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल का इकबाल, जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी कौमी निशान की इज्जत और उसको लहराने के लिए निशान पोल पर चल रहा है। बरसात गिर रही है। हजारों आदमी छतरी लगाए हुए ध्वजा वंदन की रस्म अदा करने के लिए कांग्रेस हाउस में जमा हो रहे हैं। औरतें नेशनल फ्लैग हाथ में लिए हुए झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गा रही हैं। भाई पटेल और वीर नरीमान साथ में जा रहे हैं। Thank you.
भारत माता के सच्चे सपूत पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी स्वर्गवासी पत्नी कमला नेहरू के साथ झंडे हाथों में लिए हुए इस मुबारक रस्म को अदा कर रहे हैं।